क्लास ऑपरेटिंग फंक्शंस और असातज़ा के लिए इख्तियारात। क्लास बनाने के बाद इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए असातज़ा के पास बहुत से इख्तियारात हैं। क्लासेस को अपडेट किया जा सकता है। इसका तरीका ये है कि क्लास में ऊपर दिए गए मल्टी कलर दायरे पर क्लिक करें। आप अपनी क्लास का नाम या फीडबैक लिंक तब्दील कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को निकाल सकते हैं या नए स्टूडेंट्स का अंदराज कर सकते हैं। क्लास में बच्चों के अंदराज का दूसरा तरीका ये है कि क्लास में ऊपर दिए गए पीली जंजीर शक्ल के लिंक पर क्लिक करें। इधर से लिंक कॉपी करके किसी भी बच्चे के व्हाट्सएप पर भेज दें। अगर बच्चे ने पहले से स्कूल की ऐप इंस्टॉल की हुई है तो इस लिंक पर क्लिक करके वो खुद ब खुद आपकी क्लास में ऐड हो जाएगा। दाएं साइड पर मौजूद नुक्तों को दबाने पर मेन्यू खुल जाएगा। इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, डुप्लीकेट। अगर एक ही क्लास में मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो हर सब्जेक्ट की अलग क्लास बना सकते हैं। आपको इस क्लास में बच्चे दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लास बन जाने के बाद क्लास डुप्लीकेट फंक्शन से नई क्लास बनाई जा सकती है जिसमें सब बच्चे पहले से ही ऐड होंगे। डुप्लीकेट क्लास करते वक्त अपनी क्लास का नाम बदल कर मतलूबा क्लास का नाम रख लिया जाए। ऑप्शन 2, डिलीट। इस फंक्शन की मदद से मुकम्मल क्लास डिलीट की जा सकती है। जबकि किसी एक फोल्डर को डिलीट करने के लिए फोल्डर खोलें और इसमें ऊपर मौजूद सुर्ख बास्केट वाला बटन दबाएं। ऑप्शन 3, स्टूडेंट्स। ये फंक्शन आपको क्लास में मौजूद तलबा की लिस्ट शो करेगा। ऑप्शन 4, सिंक पब्लिश्ड कंटेंट। ये फंक्शन ऐप में लोड की हुई पब्लिशर की किताब का डाटा अपडेट कर देगा। यानी अगर आपके पब्लिशर ने आपकी पहली बार क्लास तरमीम करने लेने के बाद कोई मज़ीद डाटा, नए सबक या यूनिट ऐड किए होंगे तो इस बटन को दबाने से वो आपकी क्लास में शायाशुदा मवाद में शामिल हो जाएंगे। क्लास में भेजा गया कोई भी मवाद उस्ताद डिलीट कर सकता है। इसके लिए शेयर किए गए मैसेज को थोड़ी देर टैप करके रखें तो डिलीट या कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा।